हेलो प्लस वन क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, हमने जो लास्ट टॉपिक में बात की थी वो बात की थी खलीफ के बारे में एंड खलीफेट स्टेट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ थी वो सडन डेथ हो गई थी एंड देन उनका कोई सक्सेसर नहीं था, इसलिए ही कुछ मीटिंग हुई थी और एक खलीफेट नाम की स्टेट बनाई गई थी, इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं हम, और फिर एक डिप्टी बनाए गए थे प्रॉफिट मोहम्मद के एंड फिर 4 खलीफ आए थे और जो लास्ट खलीफ थे अली, उनका मर्डर कर दिया गया था और फिर मुआविया ने क्या किया था, वो सारी की सारी डायनेस्टी को संभाला था एंड फिर एक नई डायनेस्टी शुरू हुई थी जिसे हम उमैयद के नाम से जानते हैं। और ये जो खलीफ थी और खलीफेट स्टेट थी वो बिल्कुल ही डिस्ट्रक्ट हो गई थी, ख़त्म हो चुकी थी, फिनिश हो गई थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ योर पेज नंबर्स 83 and 84 एंड द टॉपिक नेम इज़ द उमैयद एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। उमैयद एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो उमैयद के बारे में करेंगे कि राइज ऑफ उमैयद कैसे हुआ था, इसके बारे में हम बात करेंगे। मुवैया जो थे वो 3rd खलीफ के रिश्तेदार थे, जिन्होंने बाय हुक एंड क्रूक जो था वो शासन जो था अली से छीन लिया था, उसकी डेथ करवा दी थी एंड ये पूरी की पूरी खलीफ को क्या खलीफेट को अपनी अंडर ले लिया था, अपने सुपरविज़न में ले लिया था और ख़ुद उसके किंग बन गए थे, एम्परर बन गए थे और उन्होंने जो था अपनी डायनेस्टी का नाम चेंज करके उमैयद रख दिया था। तो हम अगर ये भी कह सकते हैं कि जब उमैयद डायनेस्टी का राइज हुआ तो जो खलीफेट स्टेट थी वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड हो गई थी, फिनिश हो गई थी। तो फिर क्या हुआ था, कहता है कि अब इतना बड़ा जो ये एम्पायर था, इतनी बड़ी जो कम्युनिटी थी, उसको संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो पावरफुल अथॉरिटी की ज़रूरत थी, कोई ना कोई तो प्रोसीजर था, कोई ना कोई पॉलिसीज़ वगैरह तो चाहिए ही थी इस पूरे के पूरे एम्पायर को चलाने के लिए। तो मुइया ने क्या किया था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी कर दी थी, यानी पॉलिसीज़ बना दी थी और उसको सेंट्रलाइज कर दिया था। सेंट्रलाइज का मतलब टोटली जो कंट्रोल था वो उनके हाथ में था और उन्होंने अपनी एक कैपिटल बना दी थी, इस एम्पायर की, इस जगह की कैपिटल बना दी थी, एक नई कैपिटल में वो मूव कर गए थे और उस कैपिटल का नाम था दमस्कस। क्या नाम था, दमस्कस। और उन्होंने कुछ चीज़ें अडॉप्ट भी की थी, कुछ चीज़ें ऐसी जो इस्लामिक धर्म की नहीं थी, इस्लामिक रिलीजन की नहीं थी, बल्कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन की थी, जो बाइजेंटाइन से या हम कह सकते हैं ससैनियंस एम्पायर से वो लेकर आए थे, उनकी जो चीज़ें थी उन्होंने वो अडॉप्ट की थी। और वो थी कोर्ट सेरेमनीज़, क्या थी, कोर्ट सेरेमनीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ बेंजेंटाइन, यानी बेंजेंटाइन अपनी एम्पायर को कैसे चलाता था और वहाँ की कोर्ट सेरेमनीज़ कैसे हुआ करती थी, इस चीज़ को उमैयद ने क्या किया था, अडोप्ट किया था। यानी ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर भी, यानी मुस्लिम धर्म में भी होनी शुरू हो गई थी। बेंजेंटाइन तो आप अच्छे से जानते हैं, रोमन एम्पायर जब फिनिश हो गया था, यानी जो उनका लास्ट टाइम था, तो उसे एक बेंजेंटाइन नाम की कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था और वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन से बिलोंग करती थी। तो जो मुहैया थे उन्होंने एक तो कैपिटल चेंज कर दी थी, दमस्कस में आ गए थे, यानी कैपिटल बना दी थी, साथ ही साथ उन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी की थी, यानी पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया था अपना एंड कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट भी की थी और वो बेंजेंटाइन से अडॉप्ट की गई थी, चाहे वो कोर्ट सेरेमनीज हो या एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन हो। तो अब ये जो कम्युनिटी थी ना, यानी जो उमैया डायनेस्टी थी, उसमें देखो पहले क्या थे, सिर्फ मुस्लिम लोग ही जुड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने बेंजेंटाइन के तौर तरीके अपनाने शुरू कर दिए तो कुछ जो थे वो क्रिश्चियन पीपल भी यहाँ पर जुड़ने लग गए थे। तो ये जो एम्पायर था वो स्ट्रेच आउट होने लग गया था, फैलने लग गया था और डिफरेंट काइंड के जो पीपल थे वो यहाँ पर जुड़ने लग गए थे। तो वो जो लोग थे वो कौन थे, एक तो मुस्लिम थे जो पहले से इस इंस्टीट्यूट या इस कम्युनिटी में बिलोंग कर रहे थे, कुछ क्रिश्चियन पीपल हो गए एंड सीरियन ट्रूप्स, यानी सीरिया की जो
सोल्जर्स थे वो भी यहाँ पर जुड़ने लग गए थे, इंक्लूड होने लग गए थे, क्रिश्चियन एडवाइजर्स इनके साथ जुड़ने लग गए थे। ठीक है, और ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन के जो स्क्राइब्स हुआ करते थे, इस रिलीजन के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ज़ोरास्ट्रियन स्क्राइब्स और ब्यूरोक्रेट्स जो होते थे वो भी क्या हो गए थे, इस कम्युनिटी के साथ जुड़ने लग गए थे। और इन लोगों ने उतनी ही ईमानदारी से अपना काम किया था जितनी ही ईमानदारी से मुस्लिम लोग अपनी कैलिफेट स्टेट में या ये उमैयद में काम किया करते थे, यानी पूरी ऑनेस्टी के साथ ये इस कम्युनिटी में जुड़ गए थे। तो मैंने आपको अभी अभी ये भी बताया कि मुस्लिम के साथ साथ डिफरेंट काइंड्स के पीपल जो थे वो इस कम्युनिटी में जुड़ने लग गए थे, और ये जो कम्युनिटी थी वो एक्सटेंड करने लग गई थी, स्ट्रेच आउट होने लगी थी, जिस वजह से ये जो कम्युनिटी थी या ये जो हम एम्पायर कह लें, एम्पायर जो था वो लार्ज होने लग गया और इसे स्ट्रेंथ मिलने लगी, इसे शक्ति मिलने लगी, ये दुनिया पे काबू करने लग गया था, यानी बहुत बड़ी जगह ये फैलने लग गया था, तो इसे स्ट्रेंथ मिलने लग गई, ताकत मिलने लग गई थी अपने धर्म को स्प्रेड करने की। तो इन्होंने साथ साथ और भी एक अच्छा काम किया था, इन्होंने अपील की थी किसके लिए, फॉर यूनिटी के लिए। अब ये यूनिटी, और यूनिटी कहाँ से आ गई, मतलब यूनिटी वर्ड जो क्यों लाया गया, मैंने आपको बताया था कि काफ़ी जो लोग थे वो शुरू से ही कुछ लोग फॉलोवर्स बन गए और कुछ लोग अगेंस्ट बन गए। अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद के स्टार्टिंग टाइम से ही बात करें, जब उन्होंने मुस्लिम धर्म की शुरुआत की थी तो कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जो उनके फॉलोवर्स बन गए थे, लेकिन कुछ ट्राइब्स के लोग ऐसे भी थे जो ये नहीं चाहते थे कि वो अपने भगवान को छोड़ के प्रॉफिट मोहम्मद के भगवान की पूजा करें, तो वो उनके अगेंस्ट हो गए थे, तो वो एक अगेंस्ट हो गए। फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई या वो जब मदीना गए थे मक्का छोड़ के, तब भी कुछ लोग उनसे नाराज़ हो गए थे और वो उनके अगेंस्ट हो गए थे। और जब वो उनकी डेथ हो गई तो जब ये कैलिफेट बने थे तो कुछ लोग क्या हो गए थे, इस धर्म को, कम्युनिटी को छोड़ गए थे, उन्होंने अपना रिलीजन बना लिया था और ख़ुद को प्रॉफिट मोहम्मद की तरह क्लेम करना शुरू कर दिया था। ये सारी बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये यानी अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब कि कुछ लोग उस टाइम पे ऐसे थे कि जो अगेंस्ट होते जा रहे थे और कुछ लोग फॉलोवर्स होते जा रहे थे। तो इन्होंने यूनिटी की अपील की थी, यानी जो लोग अगेंस्ट होते जा रहे थे उनको भी इन्होंने इंक्लूड करने के लिए मोटिवेट किया था। तो इन्होंने सबसे जो मेन काम किया था, अच्छा काम किया था, वो था अपील फॉर यूनिटी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब चार खलीफ के बारे में बताया था, तो मैंने ये भी बताया था कि जो ये खलीफ थे ये प्रॉफिट मोहम्मद के क्लोज वंस थे, जिसमें से जो फोर्थ खलीफ था अली, जो बहुत ही कम टाइम के लिए रहा था, जिसका मर्डर करवा दिया गया था मुआविया के द्वारा, वो जो अली था, कहा जाता है कि वो उनकी डॉटर का हस्बैंड था, यानी उनका सन इन लॉ था। और अब बात ये आती है कि जब वो उनका सन इन लॉ था प्रॉफिट मोहम्मद का, तो वो पहले क्या कहते हैं खलीफ क्यों नहीं बने, फोर्थ ही खलीफ क्यों बने थे, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट बने थे वो थे अबू बकर, अगर आपको याद हो, अबू बकर और अली। तो इस खलीफ को बनाने के लिए भी डिप्टी जो थे प्रॉफिट मोहम्मद के और ये सारे लोग, इन्होंने मीटिंग वगैरह की। तो जो अबू बकर के फॉलोवर्स थे या इनकी साइड के थे, और अली के जो साइड के थे, अली के जो साइड के लोग थे वो उस टाइम पीरियड पे यानी उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे, अबू बकर के जो फेवर में थे वो लोग उस मीटिंग में प्रेजेंट थे, इस वजह से अबू बकर को फर्स्ट खलीफ के द्वारा चुना गया था। और अली के जो कह सकते हैं हम वेल विशर्स थे या उनकी साइड के लोग थे, फॉलोवर्स थे, वो उस टाइम नहीं थे, जिस वजह से अली को वहाँ पर क्या कहते हैं खलीफ नहीं बनाया गया था। और इस बात से भी कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे इस धर्म से, तो वो उस धर्म को छोड़कर आगे बढ़ने लगे। ये जो अगेंस्ट होने लगे थे ना, इन अगेंस्ट लोगों को अपने साथ इंक्लूड करने के लिए उमैयद ने क्या किया था, अपील की थी यूनिटी के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, अरेबिक लैंग्वेज जो थी, कौन सी लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज जो थी उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बना दिया था। क्या बना दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बना दिया था। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, इंट्रो ऑफ इस्लामिक कॉइन, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लामिक सिक्के चलाने शुरू कर दिए थे, इस्लामिक कॉइन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और साथ ही साथ गोल्ड दिनार एंड सिल्वर धीरम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। और ये जो सिक्के हुआ करते थे, इस्लामिक सिक्के जो थे वो बेंजेंटाइन और इरानियन कॉइन्स की बिल्कुल कॉपीज हुआ करते थे।
क्या हुआ करते थे, बिल्कुल कॉपीज हुआ करते थे। और इन सिक्कों के ऊपर जो सिंबल्स बनाए गए थे वो सिंबल्स थे क्रॉसेस के या फिर फायर अल्टर्स के। तो इनमें इन सिम कॉइन्स के ऊपर ग्रीक और पहलवी लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स भी लिखे गए थे इंस्क्राइब करके, जैसे बर्तनों पे इंस्क्रिप्शन किया जाता है खोद कर, इन सिक्कों पे पहलवी और ग्रीक लैंग्वेज को यूज़ करके कुछ लिखा गया था। तो और वो जो ये कॉइन्स चलाए गए थे वो भी उमैयद के डायनेस्टी में ही चलाए गए थे। इन्होंने बहुत ही डेवलपमेंट वाले काम किए, एक तो कॉइन्स चलाए और गोल्ड और सिल्वर दिरहम और दिनार चलाई, और साथ ही साथ इन्होंने ग्रीक और पहलवी इंस्क्रिप्शन भी की उस कॉइन पे, सिंबल्स भी बनवाए। और ये जो कॉइन थे वो बेंजेंटाइन के और इरानियन कॉइन्स के बिल्कुल कॉपीज हुआ करते थे। साथ ही साथ इन्होंने एक बिल्डिंग भी बनवाई थी जो इस्लामिक आइडेंटिटी के रूप में मानी जाती है, काफ़ी डेवलपमेंट किया था। और वो बिल्डिंग थी बाय द डोम ऑफ रॉक, द डोम ऑफ रॉक ये बिल्डिंग इन्होंने बनवाई थी, उमैया डायनेस्टी ने बनाई थी और ये जेरूसलम में थी। और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे काम इस डायनेस्टी ने किया था। और इस डायनेस्टी के राइज होते होते ही जो कैलिफेट या हम कह सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की जो कम्युनिटी थी, उम्मा जो कम्युनिटी थी, उसका बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शन हो चुका था। और अब जो सामने डायनेस्टी आई थी या जिसका राइज होना लग गया था इन सारे चार कलीफ के बाद, वो थी उमैयद डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे। एक तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया और साथ ही साथ यूनिटी के लिए इन्होंने अपील करनी शुरू कर दी, कोर्ट सेरेमनीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट चलाने लग गए जो बेजेंटाइन में चलाए जाते थे। और इसके साथ इस चीज़ से ही क्या हो गए थे, मुस्लिम के अलावा काफ़ी पीपल्स जो थे इनके साथ जुड़ने लग गए थे, इनका जो कम्युनिटी था वो स्प्रेड होने लग गया और ये काफ़ी स्ट्रेंथ में आ गए थे। और साथ ही साथ जो इनके साथ जुड़े हुए लोग थे वो काफ़ी ऑनेस्ट थे, काफ़ी लॉयल थे इनके लिए। और इन्होंने गोल्ड और सिल्वर की धीरम और दिनार चलाई थी, इस्लामिक सिक्कों का इन्होंने इंट्रोडक्शन किया था और ग्रीक और पहलवी लैंग्वेज की इंस्क्रिप्शंस यूज़ की थी, कुछ बिल्डिंग्स बनवाई थी, यानी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम इस कम्युनिटी ने किया था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, काफ़ी ईजी टॉपिक है, इसे अपनी बुक में से भी रीड आउट कर ले।